मैंने अमेजोन पे से एक जो है प्रोडक्ट वो परचेस की है, और ये प्रोडक्ट जो है वो सभी यूट्यूबर के लिए ज़रूरी है। तो इस प्रोडक्ट जो है वो एक माइक है, और सभी यूट्यूबर को अगर अपना वीडियो नेट पे रखना है, उसका जो वॉइस जो है वो रिकॉर्डिंग करना है, तो इस माइक की ज़रूरत होती है। तो मैंने ये ऑनलाइन अमेजोन से ये प्रोडक्ट जो है वो परचेस की, और इस प्रोडक्ट का अब हम अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। ये जो प्रोडक्ट है उसका ये बिल है, और इसको मैंने यहाँ से ओपन करता हूँ। ऐसे कुछ ये प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट का जो नाम है वो है WR800 ब्राइट कैप्चर योर वॉइस क्लियर एंड कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल स्टूडियो माइक्रोफोन। मैंने परचेस किया है अमेजोन पे से। तो ये माइक्रोफोन जो है वो सभी यूट्यूबर के लिए ज़रूरी है, और मैंने बहुत R&D बहुत सर्च करने के बाद ये जो एक प्रोडक्ट है मैंने नेट से परचेस की है। और इसका स्पेसिफिकेशन जो है वो मोस्टली टाइप कैपेसिटी सेंसर एंड प्रेशर ग्रेडियंट बीक्रेड डायरेक्टिविटी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज 220 किलो हॉर्स एंड सेंसिटिविटी इज 270 mA। आउटपुट इम्प्यूडेंस इज 50 OHMS। रेटेड लोड इम्प्लीमेंट 1K एंड डायनेमिक रेंज इज 131 dB एट 2.5 kW। पावर रिक्वायरमेंट इज 48 V फैंटोम IEC 26815 वायल 2.50 grams। वेट साइज इज 5 cm, वेट विथ इज 16 cm एंड हाइट ऑल्सो 16 cm। राइट सेंस एंड 9। इसके साथ तीन चीज़ें मुझे जो है वो फ्री में मिली हैं। एक तो यहाँ पे इसका सॉक माउंट जो है वो फ्री मिला है। सेकंड जो फ्री मिला है XLR केबल जो इसका कनेक्ट करने के लिए वो फ्री में दे रहे हैं। और तीसरा जो फ्री में मुझे मिला है वो है एक्सटर्नल साउंड कार्ड। ये जो एक्सटर्नल साउंड कार्ड है वो मुझे फ्री में मिला है। उसके बाद यहाँ पे केबल फ्री में दिया है, और फ्री में इसका एक सॉकेट माउंटेन जो है वो फ्री में दिया है। प्रोडक्ट का नाम है WR800, कंपनी का नाम है राइट। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको अब ओपन करके देखता हूँ, और फिर मैं इसमें आपको ऑडियो भी रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कि किस तरह का ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड हम इसमें कर सकते हैं, और किस तरह की हमें इसमें क्वालिटी मिलती है। तो चलिए इसको पहले अनबॉक्स कर देते हैं। यहाँ से मैंने ये अनबॉक्सिंग किया है। इस तरह का कुछ अंदर पैकिंग आता है, कुछ बुकलेट दी है, पूरी यूजर मैनुअल दिया है प्रोडक्ट को कैसे हम यूज़ करेंगे, और ये वार्निंग के रिगार्डिंग दी है। राइट माइक इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट चैट सर्विस, अगर आपको अच्छा चैट सर्विस करना है तो 24/7 आपको इस हेल्पलाइन पर कॉल करना है। और ये है हमारा सॉक माउंटेन, इस तरह का कुछ सॉक माउंटेन। और ये है हमारा केबल दे दिए हैं, और ये है हमारा साउंड कार्ड। यहाँ पे ये साउंड कार्ड दिया है, देख सकते हैं साउंड कार्ड कैसा है। ये सॉक माउंटेन है इसको माउंटिंग करने के लिए, और एक केबल दिया है। और ये हमारी जो मेन चीज़ है वो ये हमारा माइक है, इस तरह का कुछ माइक दिया है WR800। पूरा स्टील का है ये, स्टील की पूरी जाली दी है, अराउंड मैट फिनिशिंग है पूरा, ऐसा कुछ हॉल दिया है, और इसमें कुछ ऐसा फाइनल हॉल भी दिया है। प्रोडक्ट को कुछ ना और बॉक्स को मैं साइड पर रख देता हूँ। और सबसे पहले हम देखेंगे ये माइक। माइक जो है बहुत ही आकर्षक दिख रहा है मुझे, ग्रिल फिनिश दिया है सुपर, और इसका हम कहीं पर भी अच्छी तरह से आउटपुट ले सकते हैं, आउटपुट आना ही चाहिए। और इसकी जो कीमत है दोस्तों वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बहुत ही सस्ता है प्रोडक्ट, और कीमत के हिसाब से हमें क्वालिटी कैसे मिलती है उसके ऊपर भी हमें देखना चाहिए। मुझे ये अच्छा लग रहा है, और इसको मैं करता हूँ
कनेक्ट शॉक माउंटेन में इसको डाल देता हूँ। यहाँ पे ये क्लिप दी है दोस्तों, इस क्लिप से आप इसका साइज जो है वो बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है, क्लिपिंग कर दिया है। ये इस तरह का कुछ प्रोडक्ट बन गया अभी मेरा। उसके बाद यहाँ पे इसको हम केबलिंग करेंगे। ये हमारा केबल, ये है इनपुट केबल और ये है आउटपुट केबल। ये हमारे सीधा माइक में जाएगा, ये हमारे कंप्यूटर में जाएगा, सिस्टम में जाएगा। तो यहाँ से हम इसमें इनपुट डाल देते हैं और ये हमारा हो गया इनपुट, इनपुट मैंने डाल दिया है। और ये हमारी पिन है, यहाँ से ये हमारा माइक का पिन है। अब मैं यहाँ से इसको मेरे कंप्यूटर जो है उसको मैं सेट कर रहा हूँ। तो ये मेरे कंप्यूटर में मैंने इसको सेट कर दिया है, मेरे माइक को। और अब हम देखते हैं इसका आउटपुट कैसा रिकॉर्डिंग होता है। तो अभी ये चालू हो चुका है और मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन में ले चलता हूँ और जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम हमारा जो कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज़ करता हूँ, जिसका नाम है एडोब ऑडिशन। एडोब ऑडिशन के अंदर हम कैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ से साउंड फाइल में जाएंगे, एक नया ऑडियो फाइल लेंगे, ओके देंगे। ओके देने के बाद यहाँ पे ये रेड कलर का सिंबल है, रिकॉर्डिंग शॉर्टकट है इसका शिफ्ट स्पेस, इसे प्रेस करूंगा। हेलो 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 हेलो, ऑडिशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देख लेते हैं। एडिट मेनू में प्रेफरेंसेस में जाके ऑडियो हार्डवेयर मेरा अटैच हुआ है, यस हो चुका है। माइक्रोफोन टू ए टू यूएसबी ये है। हेडफोन डिफाइन ऑडियो डिवीजन यस, आउटपुट एंड हेडफोन ओके कर देंगे। रिकॉर्डिंग हेलो, तो इसको नो टू ऑल, फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं शायद ऑडिशन। दूसरा भी सॉफ्टवेयर है मेरे पास साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, स्प्रिंग केम स्टूडियो। तो नमस्कार एवरीवन, माय चेक माय टेस्टिंग माय साउंड टेस्ट, हेलो 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 हेलो, माय चेक माय चेक माय चेक, हेलो 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 हेलो, माय चेक हेलो 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 हेलो। तो आप देख सकते हैं मेरा जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुका है और मैं अभी ये रिकॉर्डिंग जो है वो कर रहा हूँ। तो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं किस तरह की है और मैं आगे एडोब ऑडिशन पे भी लेक्चर्स लेने वाला हूँ। तो आप हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। साउंड की क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है,
बहुत ही अच्छा ऑडियो जो है वो रिकॉर्डिंग होता है इसमें बिना नॉइस के। अब मैं आपको सुना देता हूँ। हाँ दोस्तों, मैं आपको 100% ये तो सबकी अलग-अलग पसंद रहती है कि हेलो कौन सा माइक है, लेकिन मैंने अभी इसमें रिकॉर्डिंग किया और मैंने साउंड देखा तो बहुत ही जबरदस्त साउंड है इसका और बहुत ही अच्छा रिकॉर्डिंग होता है। मैं इस प्रोडक्ट को मैंने बहुत ही R&D करने के बाद, नेट पे सर्च करने के बाद, सबसे सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है रिकॉर्डिंग के लिए वो ये प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया है। तो हो सके तो इस प्रोडक्ट को मेरे नीचे में इसमें लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप परचेज कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरा सेशन जो है अनबॉक्सिंग का माइक के ऊपर कैसा लगा वो जरूर बताएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।